कसरावत रमजान माह के पवित्र माह के बाद ईद का त्यौहार आता है। यह मुस्लिम धर्म का पवित्र त्यौहार है। ईद के पूर्व से ही बाजारों में रौनक देखी जाती है, लेकिन विगत दो वर्षों से कोरोना महामारी के कारण ईद में रंगत कम दिखाई दे रही है। प्रतिवर्ष ईदगाह मैदान में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित होकर ईद की नमाज अदा करते हैं। इस समय पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। मुस्लिम समाज द्वारा कोरोना गाइडलाइन के तहत घरों में ही रहकर ईद की नमाज अदा की गई। ईदगाह मैदान में 5 लोगों ने नमाज अदा की। साथ इससे पूर्व अल्लाह से प्रार्थना की गई कि हमारा देश और पूरी दुनिया जल्द कोरोना से मुक्त हो, जीवन पहले जैसे सामान्य हो। वहीं आपको बता दें कि इसमें मासूम बच्चों ने भी अपने घर में रहकर दुआ की। जिम्मेदार नागरिक अकील शेख, अबरार पठान सहित जाकिर खान ने भी समाजजनों से अपील की कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी SDM संघप्रिय, तहसीलदार KCR सोलंकी, नगर पंचायत CMO संजय रावल सहित थाना प्रभारी माधव सिंह ठाकुर एवं नगरवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। न्यूज इंडिया N9 कसरावत से राजेश सुल्ताने की रिपोर्ट। कितने लोगों ने पढ़ी आज जो ईद की नमाज थी? प्रशासन के जो निर्देश थे, उस निर्देशों के अनुसार मस्जिदों में मौलाना और जो मस्जिद कमेटी के अंदर सदस्य थे, लगभग 2-3 लोगों ने मिलकर मस्जिदों के अंदर नमाज अदा की गई है। अच्छा, मुस्लिम समाज का आपके साथ कैसा रहा सहयोग? मुस्लिम समाज ने यहाँ हमेशा सहयोग किया है पुलिस प्रशासन का। जब भी उनसे जो प्रशासन के निर्देश, उन निर्देशों का हमेशा पालन करते हैं। और आज भी अपने अपने घरों में लोगों ने नमाज अदा की गई है और मस्जिदों में भी केवल मौलाना और जो मस्जिद के अंदर के जो सदस्य हैं 2 या 3 लोग, उनके द्वारा नमाज अदा की गई है। आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज मैं पूरी आवाम को जो है ईद की शुभकामनाएं देता हूं और कोरोना गाइडलाइन पालन करने का निर्देश भी देता हूं कि वो अपने मास्क लगाएं और सामाजिक सोशल डिस्टेंस को अपनाएं। आप मुस्लिम समाज के सदर रईस कुरैशी जी, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज जो ईद की नमाज हुई है, इसमें आप देशवासियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ईद की बधाई देना चाहता हूँ पूरा आवाम को, मेरी तरफ से और मुस्लिम जमात की तरफ से ईद की बधाई। साथ ही शासन के नुमाइंदों को भी मेरी तरफ से ईद की बधाई। और शासन के जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे कि 3 से 4 लोग नमाज अदा करें, वो दिशा निर्देशों को फॉलो करते हुए हमने आज यहाँ पे की नमाज अदा की है। और साथ ही अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि कोरोना वायरस की महामारी की जो बीमारी हमारे मुल्क में फैली है, आज हमने ईद की नमाज में अल्लाह से दुआ की है कि जल्दी से जल्दी हमारे मुल्क से बीमारी खत्म हो जाए।